अजीब से ढाबे पे हूँ और मुझे पता नहीं है कौन सी जगह पे है। 10 रुपए बर्बाद चले गए मेरे। इतना अंधेरा क्यों है भाई? 5:10 हो रहा है, फज का टाइम ख़त्म हो चुका है और अभी मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। ट्रेन आई थिंक कितने बजे की थी? 6 बजे की ट्रेन है और मुझे निकलना है अलीगढ़ के लिए। सडनली अर्जेंटली नोटिस आ गया कि आओ भैया अपना अपग्रेडेशन करवा लो, 10 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद नहीं हो पाएगा। ऐसे हैं अपने AMU वाले। हाँ मेरे दोस्त लोगों ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं भेड़ बकरियों की तरह जाऊंगा। खैर देखते हैं क्या है, कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है। भैया शोर मत करो, बात कर रहा हूँ यार, बेगैर ट्रेन है। बाहर से देखने में इतना भी बुरा नहीं है इसका कोच, अंदर तो काफ़ी ठीक ठाक माहौल लग रहा है। ओ भैया पंखे, शेर कार में अगर ट्रैवल किया हूँ तो शताब्दी में, और वो कहाँ और ये कहाँ। कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ में। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू क्यों मुझे ऐसे अचानक से जाना पड़ रहा है। मेरा प्लान था बकरीद में जाने का, अभी भी प्लान है, मैं वापस आऊँगा, फिर मैं बकरीद में वापस जाऊँगा, बकरीद करने के बाद वापस जाऊँगा। एक्चुअली पहली बात तो इस ट्रेन में आने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे कोई और टिकट नहीं मिला था। मैं कल रात में टिकट बुक किया हूँ आज सुबह का, और इसी ट्रेन में अवेलेबल था और इसी कोच में, तो दैट्स व्हाई दैट्स अ रीज़न बिहाइंड इट। अचानक से जाने का अलीगढ़, वो मैंने बताया है AMU का प्रॉब्लम, तुरंत बुलाते हैं, तुरंत आओ तुरंत, वरना काम नहीं होगा, आज पूरा दिन भाग दौड़े में निकलेगा। द ट्रेन इज़ प्रिटी गुड बट द प्रॉब्लम हियर इज़ आई वॉन्टेड द विंडो सीट एंड द सीट विच आई गॉट इज आइल सीट, दैट मीन्स द कॉर्नर वन। यार लोकल ट्रेन लग रही है मुझे मुंबई की। एंड नाउ इफ टॉकिंग अबाउट ड्रॉपिंग वीडियोज़ ऑन माई चैनल, आई विल बी अनेबल टू ड्रॉप वीडियोज़ एज आई यूज टू डू अर्लियर। बहुत गैप के बाद आएगा, बहुत सारे रीजन्स हैं, आई विल डिस्कस इट लेटर। पहली ट्रेन है, पीछे भाग रही है। छः सात घंटे बाद मैं पहुँच ही गया, हड्डियाँ पूरी जाम हो गई है। चलते हैं ऑटो की तरफ, ऑटो पकड़ते हैं फिर काम शुरू करते हैं। इतनी हरियाली है इधर, अब मुझे तो लगता है यहाँ पे धूप भी हरी हरी होती होगी। काफ़ी गंदा जोक था, हजम कर जाइएगा। और इस गंदे से जोक को अगर आपने सुन के इसको नापसंद किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे रंग का पेड़ है मगर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, दबा दीजिए। फिर से गंदा जोक, सब्र कर लीजिए। और ये अपनी ऐतिहासिक मस्जिद का बैकयार्ड, यहीं से मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की। और ये है क्रिकेट क्लब, और एक भाई साहब शेरवानी में तफरी कर रहे हैं। चार गाड़ी से, अबे सिर्फ चार गाड़ी। यहाँ पे बाढ़ आ गई है, ओह माय गॉड, इनसेन लेवल ऑफ फोटोग्राफी। अरे अपना क्या था, भूल गया मैं, एफएल टावर बोल सकते हैं। यहीं पे अपना प्रोवोस्ट ऑफिस, जहाँ से सारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके लिए मैं भागा आया हूँ 7 घंटे का सफर करके। आज की गर्मी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 50? अभी 25 बोल रहे थे, अब 50 साल। वीडियो में 25 साल एक्स्ट्रा कर दिया। हाँ 25 साल एकदम। एक कड़ी हमने पार कर लिए, मार्कशीट मेरे पास है। नाउ इट्स टाइम फॉर सलाह। तो अभी मैं अंकल के घर जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे एप्लीकेशन लिखना है, उसके साथ फिर मार्कशीट की कॉपीज अटैच करनी है टेस्ट करके। मैंने एप्लीकेशन लिख लिया, मैं जा रहा हूँ डीन ऑफिस पे उसे सबमिट करने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आई विल कीप यू अपडेटेड। ज़्यादा लोग है ही नहीं, पूरा सारे डिपार्टमेंट्स खाली हैं, देख रहे हैं आप। इज द थिंग वी नीड टू फॉलो, किसी पे थोपो नहीं, खुद करके दिखाओ। आई बिलीव इन दिस ओनली। 90 days आफ्टर 90 days, यार तो पूरा खाली है। लिफ्ट इज नॉट विलिंग टू कम, सो आई टुक द स्टेयर्स। फाइनली आई गॉट नो ऑब्जेक्शन, क्लियरेंस। यस, अगर फेल हुए मुंबई से आप एक मिनट बना के, ये तो पूरा हॉस्टल भी खाली है।
से बाहर कपड़े दिख रहे हैं, लोग दिख ही नहीं रहे। तो आधा काम मेरा हो चुका है, एप्लीकेशन जहाँ पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गया है, आधा कल हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। सी यू इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, ऊपर वाले को याद करते रहना, वो तो मैं भूल गया ना, तो तुम किसी लायक नहीं बचोगे।